रूसी अंतरिक्ष यान लूना 25 के क्रैश लैंड होने की वजह से चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर लोगों को आशंका होने लगी है। लेकिन इन सभी आशंकाओं को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के पूर्व चीफ के सिवन ने क्लियर कर दिया है। चंद्रयान 2 मिशन के हीरो रहे के सिवन ने दावा किया है कि चंद्रयान 3 की सफलता पक्की है। के सिवन भी इस मिशन का एक अहम हिस्सा है क्योंकि चंद्रयान 2 के आधार पर ही चंद्रयान 3 को डेवलप किया गया है। चंद्रयान 3 की सफलता का दावा करते हुए के सिवन ने कहा, निश्चित तौर पर हम पिछली बार यानी चंद्रयान 2 मिशन में सफल नहीं हो पाए थे। जिस फेज में अभी चंद्रयान 3 है, यहां तक चंद्रयान 2 ने भी काफी अच्छा किया था, लेकिन हम सफल लैंडिंग नहीं कर पाए थे। इसलिए चंद्रयान 3 की सफलता का सभी लोग बहुत उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहे हैं। मैं आश्वस्त हूं कि इस बार हमें बड़ी सफलता मिलेगी। सिवन ने रूसी अंतरिक्ष यान लूना 25 की क्रैश लैंडिंग और चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर आगे कहा। Not only now, that is we have been telling from the beginning. हम शुरू से ही ये कहते आ रहे हैं कि लैंडिंग एक जटिल प्रक्रिया है, और अब भी हम ये मानते हैं कि लैंडिंग बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। लेकिन रूसी अंतरिक्ष यान लूना 25 की क्रैश लैंडिंग से चंद्रयान 3 का कोई लेना देना नहीं है। हमारा अपना सिस्टम है और इसकी मदद से हम बिना कोई समस्या के सफल सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे, लेकिन ये जटिल प्रक्रिया है। So, but it is a complex process. चंद्रयान 2 से मिली सीख और उसके आधार पर चंद्रयान 3 में हुए बदलावों को लेकर के सिवन ने कहा, डेफिनेटली बिकॉज लास्ट टाइम व्हेन आफ्टर द लैंडिंग द प्रोसेस, पिछली लैंडिंग में असफलता के बाद हमने डेटा इकट्ठा किया और इसकी स्टडी की। इसके आधार पर चंद्रयान 3 में कई बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा हमने और भी बहुत सारे कदम उठाए हैं। मिशन से जुड़े जिस भी स्टेप पर सक्सेस मार्जिन कम था, उनको फिर से दुरुस्त किया गया है। इस बार का सिस्टम चंद्रयान 2 से मिले लेसन के आधार पर बना है, इसलिए इस बार का सिस्टम काफी दुरुस्त है। इसलिए हमें उम्मीद है कि इस बार सफलता जरूर मिलेगी। बता दें कि के सिवन के नेतृत्व में इसरो ने चंद्रयान 2 मिशन को अंजाम दिया था। हालांकि चांद पर चंद्रयान 2 की सफल लैंडिंग नहीं हो सकी थी, तब पूरे देश ने के सिवन को फूट फूट कर रोते देखा था, और तब प्रधानमंत्री मोदी ने उनका हौसला बढ़ाया था। उसी चंद्रयान 2 मिशन की स्टडी के आधार पर चंद्रयान 3 को डेवलप किया गया, जो जल्द चांद पर भारत का परचम लहराने वाला है। इसरो ने बताया है कि 23 अगस्त की शाम करीब 6 बजे चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल चांद को छू लेगा। टाइम्स नाउ द भारत डिजिटल की रिपोर्ट।